नमस्कार, मैं प्रभात कुमार GWPC अजमेर से। आज अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु किसी भी द्रव्य का बस सबसे छोटे से छोटा कण होता है, जिसमें उस द्रव्य के सभी गुणधर्म मौजूद होते हैं, और यह स्वयं तीन प्रकार के मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। यह फंडामेंटल पार्टिकल सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं। किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु एक समान नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्येक परमाणु में ये जो पार्टिकल्स हैं एक समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ये कण जो हैं इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.601 × 10⁻¹⁹ नेगेटिव चार्ज होता है। यह एक ऋण आवेशित कण है। इसका द्रव्यमान 9.109 × 10⁻²⁸ ग्राम है। काफ़ी नेग्लिजिबल मास है, ये काफ़ी हल्का कण है। थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका मास 1.672 × 10⁻²⁴ ग्राम है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी हैवी पार्टिकल है, और इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। एक अन्य कण जो न्यूट्रॉन है, वह आवेश रहित कण है, और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, 1.674 × 10⁻²⁴ ग्राम। चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। कलेक्टिवली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही परमाणु के नाभिक में रहते हैं, इसलिए न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्ताकार स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आइए हम परमाणु संरचना को समझने के लिए बोहर के मॉडल का अध्ययन करें। नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए परमाणु की संरचना को एक्सप्लेन किया था। इसके प्रमुख अभिग्रहित निम्नानुसार हैं। मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक है, जिसमें कुल आवेश Ze के बराबर है। Z परमाणु क्रमांक है और E एक प्रोटॉन पर चार्ज है। यहाँ से R डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन, जिसका आवेश E, वह V वेग से इस वृत्ताकार मार्ग में नाभिक के चारों तरफ चक्रण लगा रहा है। तो पहले अभिग्रहित के अनुसार जो स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो वह स्टेशनरी ऑर्बिट एनर्जी लेवल कहलाता है, ऊर्जा स्तर। और एक ही ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। बोहर के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित यह कहता है कि जब यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में चक्कर लगाता है, उस समय ये दो प्रकार के फोर्सेस इस पर लागू होते हैं। एक बल जो कि नाभिक की तरफ आकर्षण बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो Ze²/R² के बराबर है, और दूसरा फोर्स जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है बाहर की तरफ, वह अपकेंद्र बल कहलाता है, और यह Mv²/R के बराबर होता है। ये दोनों बल इक्वल और अपोजिट होते हैं, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक से एक निश्चित दूरी मेंटेन करने में सफल हो पाता है। तीसरा अभिग्रहित कहता है कि नाभिक से बाहर सिर्फ वे ही ऊर्जा स्तर संभव हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि MVR H/2π का एक पूर्ण संख्या गुणज हो। यहाँ N मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, और इसका मान 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या होगा, और इस प्रकार से निश्चित अंतराल पर ही ऊर्जा स्तर संभव है। बोहर के सिद्धांत का नेक्स्ट पॉस्टुलेट ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी करता है जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप करता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। तो इस प्रोसेस में जो ऊर्जा त्यागी या ग्रहण की जाएगी, वह डेल्टा ई के बराबर होगी, और इसका मान E₂ - E₁ के बराबर होगा। ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, यानी कि सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है, वह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होती है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। और एक क्वांटम में जो ऊर्जा होती है वह Hν के बराबर होती है, ऐसे हम Hc/λ कह सकते हैं। यहाँ H प्लैंक कांस्टेंट और न्यू विकिरण की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से जो डेल्टा ई है उसका मान Hν के बराबर होता है।
बोर के सिद्धांत से हम परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है त्रिज्या, उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर, यहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या यानी वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल का है। इसी प्रकार से उस इलेक्ट्रॉन की nth एनर्जी लेवल में ऊर्जा कितनी होगी इसकी गणना भी संभव है, और उस फॉर्मूले को शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं कि E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोहर का जो मॉडल है वह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन वाले जो सिस्टम हैं, जैसे हीलियम प्लस वन या लिथियम प्लस टू, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा और परमाणु के स्थायित्व को भी एक्सप्लेन करने में सफल रहा। तो ये बोहर का जो मॉडल है, इसके प्रमुख अभिग्रहित जो है उसका आज हमने अध्ययन किया और परमाणु के अवयवों के बारे में जाना। धन्यवाद।